नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से खबर आ रही है जहां विश्व विकलांग दिवस पर परवरिश स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली और प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। बता दें कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं इन समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पिछले एक दशक से अधिक समय से कार्यकारी संस्था परवरिश स्कूल निराला नगर में आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर स्कूल का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अनूप मिश्रा व पूर्व सीनियर सब इंस्पेक्टर द्वारा दीप पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि अनूप मिश्रा पूर्व सीनियर सब इंस्पेक्टर एवं सलमान अली काजी विशेष शिक्षक का स्वागत स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर कुसुम सिंह द्वारा गुलदस्ता भेंट कर और बच्चों द्वारा चंदन का टीका लगाकर किया गया। इस चीज से निकाली है कि अगर ये बच्चे जो हैं, जिस परिवार के हैं, जिस माता पिता ने उनको जन्म दिया है, वो कितने चैलेंज के साथ में उनको सर्वाइव करते होंगे, मैं महसूस कर सकता हूँ। जिस समय हम लोगों को क्रॉनिक कराई जाती थी तो पसीना निकल आता था, लगता था कि अब सर फट जाएगा। तो वो बड़ी स्थिति मैं महसूस कर सकता हूँ कि बच्चों के साथ जब आप घर परिवार घर आंगन में आप इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते होंगे तो कितना बड़ा चैलेंज आपके सामने होता होगा। और वो दो चीज है कि समय भी देना है और अपने मन को और अपने विचारों को नियंत्रण भी करना है। अब मैं कुछ बच्चों को देख रहा था जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आपका स्टाफ इसके लिए काबिल तारीफ है कि उनकी एक्टिविटी को एक नॉर्मल